रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल आपका स्वागत करता है। कुछ चीज़ें हमने लैब में जो बहुत पहले लगाई थी, कुछ इंस्टीट्यूट वाले अब उसको लगा रहे हैं, चीज़ें बढ़ा रहे हैं। तो कुछ इंस्टीट्यूट वाले हमारे लैब की भी कार्बन कॉपी करते हैं, उसकी फ़ोटो भी लगा देते हैं, तो उनके नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी। तो आप देखिए, पूरा मार्केट हमें फॉलो कर रहा है और हमारे जैसे ही बनने की कोशिश की जा रही है। तो आइए, मैं अब आपको यहाँ पर जो नॉलेज है वो तो कोई कॉपी नहीं कर पाएगा, वही चीज़ें मैं आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो जो मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ वो है डीसी मशीन। इसका एडवांस वर्जन भी आ चुका है हमारे पास, तो उस पर भी वीडियो बहुत जल्दी डालने वाला हूँ, और वो डायरेक्ट आपके लैपटॉप पे कनेक्ट होती है। एडवांस मल्टीमीटर्स आ रहे हैं, वो भी डायरेक्ट आपके कंप्यूटर पे कनेक्ट हो जाते हैं, तो ऑनलाइन में उनको पढ़ाने में दिक्कत नहीं होती, सारी चीज़ें स्क्रीन पर ही आ जाती। तो मैं डीसी मशीन के बारे में बता रहा हूँ आपको, कैसे है, क्या करती है और किस तरह से काम करती है। बेसिकली डीसी मशीन का यूज़ क्या है, ये जो मशीन है हमारे पास, यहाँ पर देखिए वोल्टेज है, तो ये इस मशीन में 30 वोल्ट तक, यहाँ पर 30 बोला जाता है, 31 वोल्ट तक ये काम करती है। इसके अलावा इसमें अगर एम्पियर की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर एम्पियर 5 एम्पियर तक ये, मतलब 5.1 एम्पियर तक ये काम करती है। इसके अलावा वाट कंजम्पशन कितना हो रहा है वो दिखाती है। तो इसका काम क्या है वो मैं आपको क्लियर कराता हूँ कि डीसी मशीन का यूज़ किस लिए होता है। बेसिकली चार चीज़ें होती हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी सर्किट, चाहे वो लैपटॉप हो, चाहे डेस्कटॉप हो, और चाहे आपका एलईडी टीवी हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसमें चार चीज़ें होती है। पहला ओपन होना सर्किट का, दूसरा शॉर्ट होना सर्किट का, तीसरा ओके होना, और चौथा होता है हाफ शॉर्ट की कंडीशन। तो वो चारों चीज़ें इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं कि हमें कैसे देखना है, क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके साथ देख लीजिए क्या क्या आता है। ये आपका केबलें आएंगी इस तरह से रहेंगी, और ये दो केबलें पॉजिटिव नेगेटिव, और यहाँ पर देखिए पावर स्विच रहेगा इस तरह से, जिससे आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके बैक में जाएंगे, यहाँ पर देखिए एयर के लिए इस तरह से इसको डिज़ाइन किया जाता है कि एयर वगैरह आ जा सके। इसके अलावा इसमें देखिए पीछे पावर सप्लाई के लिए रहता है, तो उसको बाहर निकाल के बंद कर दो फ़ोन को। ये देखिए यहाँ पर स्विच रहेगा इसमें, और सारा इसमें डिफाइन रहेगा कि कितना क्या है, इसी सारी चीज़ें। अब ये यहाँ पर देखिए 31 वोल्ट का ये सारी चीज़ें रहती हैं इसमें, और ये किस तरह से काम करता है वो मैं अब आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने वोल्ट सेट करना है, जैसे आपका अभी देखिए ओपन, शॉर्ट, ओके और हाफ शॉर्ट। अब सबसे पहले अगर आपका मोबाइल है, तो जो मोबाइल होता है उसमें आप 3.7 से लेकर 4.8 या जो भी उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज है उसको यहाँ पर आप सेट करते हो। मोबाइल में ज़्यादातर एम्पियर 1.2 एम्पियर हम लेके चलते, तो ये दो चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले मोबाइल के लिए आपको यहाँ पर वोल्टेज सेट करने होते हैं, तो वोल्टेज में यहाँ पर सेट करके दिखा रहा हूँ आपको। देखिए वोल्टेज के लिए ये है, यहाँ पर आपको कितना सेट करना है, 3.7 या जो भी, यहाँ से ये देखिए पॉइंट्स के बाद की वैल्यू यहाँ से सेट होती है। एम्पियर यहाँ से सेट होता है, एम्पियर जैसे हमें यहाँ पर सेट करना है 1.2, तो ये देखिए मैं यहाँ पर 1.2 सेट कर रहा हूँ, ये 1 है और ये यहाँ पर मैंने 1.2 सेट कर दिया, ठीक है। इसके बाद आप इसमें चार कंडीशन बनेंगी मोबाइल में। अगर ये बेसिकली क्या होगा कि अगर यहाँ पर जैसे आपने इसको मोबाइल पे फिट किया, ये दो केबलें होती हैं इसकी मोबाइल पे, अब जब मोबाइल के आप यहाँ पर लगाएंगे, इसका मोबाइल का एक प्लस होता है और एक माइनस बैटरी का, जैसे इस पर आप लगाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाए, वोल्टेज क्या होगा, एकदम से गिर जाएगा और एम्पियर बढ़ जाएगा, अगर ये कंडीशन बनती है, ठीक है, तो इसका मतलब मोबाइल में क्या है, शॉर्टिंग है, ठीक है। अब अगर यही अगर आप लैपटॉप के लिए सेट कर रहे हैं, तो लैपटॉप के लिए यहाँ पर आपको वोल्टेज सेट करना होगा 19 वोल्ट, ये 19 सेट करिए। एम्पियर सेट करना होगा जो भी एम्पियर, 3.3 या जो भी जितने भी एम्पियर का है, और फिर अगर आपने उसको लैपटॉप पे लगाया और लैपटॉप अगर शॉर्ट है या लैपटॉप में शॉर्टिंग है, तो जैसे ही आप लैपटॉप को लगाएंगे, देखिए एम्पियर यहाँ पर दिखाना बंद कर देता है, फिर जैसे ही अगर वो लैपटॉप शॉर्ट है, तो मैं शॉर्ट की कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए इस तरह से, ये ऑपरेट कर लो ज़रा कैमरा तो समझ में आने लगे। अब देखिए इसको यहाँ पर हमने जैसी ये शॉर्टिंग की कंडीशन ऐसे बनती, प्लस माइनस वहाँ लगाएंगे, ये देखिए एम्पियर गिर गया, वोल्ट गिर गया, एम्पियर लेने लगा, ठीक है। ऐसी आपकी पानी की जो मोटर होती है घर के, उसमें वोल्ट और एम्पियर मीटर होता है, अगर उसका एम्पियर तेज लेने लगे और वोल्ट गिरने लगे, तो समझ लीजिए कि मोटर में क्या है, कहीं ना कहीं फंस रही है मोटर, शॉर्टिंग आ चुकी है। तो उसी तरह से लैपटॉप और मोबाइल में शॉर्टिंग की कंडीशन बनती है, ठीक है। अब मोबाइल और लैपटॉप पे शॉर्टिंग कहाँ तक जा रही है, 0.50 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1.5 एम्पियर, कहाँ तक जा रहा है,
कहाँ पर जाकर मोबाइल या लैपटॉप दिक्कत कर रहे हैं, फिर उस पर हम आगे अलग से डिस्कशन करेंगे। आज मैं सिर्फ डीसी मशीन समझा रहा हूँ। तो ये तो हो गई आपकी लैपटॉप और मोबाइल की। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि अब इसी वोल्टेज पर अपन टेस्टिंग करते हैं, वोल्टेज मोबाइल हो लैपटॉप हो, मोबाइल होगा तो वोल्टेज आप कम कर लीजिएगा, एम्पियर कम कर लीजिएगा। अब मान लीजिए कि अगर आपका सर्किट ओपन है, मतलब प्लस और माइनस की दोनों लाइनें क्या हैं, यहाँ से कहीं डिस्टर्ब हो गई, तो क्या होगा, आप इसको लगाएंगे तो ना वोल्ट हिलेगा और ना एम्पियर हिलेगा। मान लीजिए मैं अगर इसको यहाँ पर फिट कर देता हूँ इस तरह से, अभी मैं फिट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि 19 वोल्ट है। चलिए इसको मोबाइल के लिए सेट कर लेते हैं और एम्पियर में यहाँ पर 1.2 कर ले रहा हूँ। और जब मैं इसमें सबसे पहले प्लस माइनस देखना पड़ता है इसमें कि प्लस और माइनस कौन सा, तो मल्टीमीटर को इस तरह से रख लीजिए कंटिन्यूटी मोड पर, इसको रखिए ग्राउंड पर, तो एक प्लस टिप होगी जो बीप करे, माइनस टिप होगी जो बीप करेगी और एक प्लस होगा, तो ये माइनस है ये प्लस है, तो इसको हमें कहाँ लगाना है, माइनस में लगाना है। वैसे तो इसको बंद करके लगाना चाहिए जब भी लगाएं, ये हमने इसको माइनस में लगाया, और इसको कहाँ लगाना है, प्लस में लगाना है। अब देखिए शॉर्ट है, शॉर्टिंग दिखा रहा है ये, अब शॉर्टिंग है, शॉर्टिंग को हमें बाद में, जब शॉर्टिंग रिमूव कैसे करना है कल के वीडियो में कराऊंगा इसी बोर्ड पे कि इसकी शॉर्टिंग कैसे रिमूव होगी। तो शॉर्ट है। अब मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे लगाया, हाँ सपोज कर लीजिए, और यहाँ पर ना तो ऊपर उधर दिखाओ, ना तो बोल्ट हिल रहा है ना एम्पियर हिल रहा है, तो मतलब सर्किट कहीं से ब्रेक हो गया, करेंट या बोल्ट अंदर जा ही नहीं पा रहा है, मतलब सर्किट के कनेक्टर यहाँ बीच से या कहीं ना कहीं ओपन हो चुका है सर्किट। अगर ये कुछ भी नहीं हिल रहा है तो सर्किट को हम ओपन मानते हैं, मोबाइल को हम ओपन मान के चलते हैं, ठीक है। तो ये ओपन वाली कंडीशन होती है। इसके अलावा ओके वाली कंडीशन क्या होती है कि जैसे आप इसको लगाएंगे, लगाने के साथ ही क्या होगा, वोल्ट फिक्स हो जाएगा और एम्पियर मूव हो जाएगा। छोटा वाला फ़ोन लेके आओ, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये ओके की कंडीशन। ओके की कंडीशन में मैं आपको दिखाता हूँ। तो ओके में क्या होगा, वोल्ट क्या हो जाएगा, फिक्स रहेगा और एम्पियर मूव होने लगेगा, तो इसको क्या बोलेंगे, ओके की कंडीशन। इसके अलावा और क्या होता है इसमें, इसके अलावा होता है इसमें एक और चीज़ जिसको हम कहते हैं कि मोबाइल क्या हो गया है, शॉर्ट हो गया है, सॉरी हाफ शॉर्ट हो गया है, फुल शॉर्ट नहीं है, हाफ शॉर्टिंग है। तो उस कंडीशन में हाफ शॉर्टिंग में क्या करता है, थोड़ा सा वोल्ट गिरेगा और एम्पियर क्या करने लगेगा, हल्का हल्का ले लेकर वोल्ट हल्का गिर जाएगा, तो उसको मान के चलिए कि हाफ शॉर्टिंग है। अब ओके कंडीशन आप देख लीजिए, ये हमारे पास एक सेट है, इसका प्लस और माइनस मैं दिखा देता हूँ, मल्टीमीटर से भी देख सकते हैं। इससे देखिए पहला प्लस है और तीसरा माइनस है, तो इस पर मैंने तीनों चीज़ें सेट कर रखी। अब मैं इसमें प्लस में प्लस पे लगाता हूँ। पहले देखिए प्लस कौन सा है, ये देख लीजिए फर्स्ट वाला प्लस है, ये यहाँ से आपको दिख जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लगा लेते हैं फर्स्ट को प्लस में। और अगले को कहाँ लगा लेते हैं, माइनस में। तीसरा माइनस है, ये लग गया, और इसको ऑन करते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसको ऑन कर लेते हैं। देखिए वोल्टेज फिक्स, एम्पियर नॉर्मल हो गया। अब मैं अगर इसको ऑन करता हूँ, जैसे ही आप ऑन करेंगे, ये ऑन हुआ मोबाइल, एम्पियर मूव होने लगेगा, ठीक है। इसका मतलब वोल्टेज है और एम्पियर मूव हो रहा है और वॉट नीचे दिखाने लगेगा कि इतना कंजम्पशन ये मोबाइल कर रहा है। तो ये डीसी मशीन ये चारों चीज़ें बताती है, ठीक है। अब मोबाइल ख़राब है, बैटरी लगा के आप चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी। तो डीसी मशीन इस तरह से काम करती है। अब जब मैं लैपटॉप में क्या क्या एम्पियर पर क्या क्या फॉल्ट आता है, मोबाइल के किस किस एम्पियर पर क्या क्या फॉल्ट आता है, उस पर मैं बताऊंगा कि आपको किस चीज़ को चेक करना है, तो तुरंत आपको फॉल्ट मिल जाएगा। तो ये होता है आपका, मेरे को पूरा स्कीमेटिक का नॉलेज है, एक एक चीज़ वोल्ट एम्पियर वॉट का पूरी चीज़ें पता है, किस तरह से काम होता है, इसलिए मैं सारी चीज़ें पढ़ा पाता हूँ और करा पाता हूँ। तो देखिए ये 0.5 0.7 एम्पियर के आसपास क्या करा, करंट ले रहा और ये मोबाइल स्टार्ट हो चुका है, 3 वोल्ट पर चल रहा है। वॉट का कंजम्पशन, वॉटेज कंजम्पशन यहाँ पर 2.5 वॉट है। तो इस तरह से आपको ये मोबाइल को क्या करना है, चीज़ों को चेक करना है। मैं इसको बंद करता हूँ तो देखिए कैसे चीज़ें गिरेंगी इसमें, ये पावर ऑफ़ कर रहा हूँ। अब देखिए ये जैसे ही आप इसको पावर ऑफ़ करेंगे, अब देखिए धीरे 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 करके, जैसे किसी चीज़ का एंड होता है उसी तरह से ये भी देखिए धीरे धीरे करके पूरा क्या होगा, एम्पियर बिल्कुल क्या हो जाएगा, यहाँ पर ज़ीरो ले लेगा, ठीक है। जैसे ही ये बंद होगा देखिए आगे ज़ीरो पे, वोल्ट यहाँ पर दिखाने लगा और वॉट यहाँ पर ज़ीरो हो गया। तो ये डीसी मशीन होती है, बहुत नॉर्मल मशीन है, बेसिक मशीन है ये। इससे एडवांस मशीनों पर जब मैं आपको काम कराऊंगा तो और चीज़ें समझाऊंगा, ये बेसिक मशीन है। और इस पर आपको ये पूरा शॉर्ट हाफ शॉर्ट ओके इस तरह से आपको इसको
चेक करना होता है। इसके अलावा किस एम्पियर पे जाकर मोबाइल रुक रहा है, देखिए हमने इसको हटा दिया, अब हम इसको वापस बैटरी लगा के भी चालू करेंगे तो ये मोबाइल प्रॉपर चालू हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये आपका गैलेक्सी J2 सैमसंग, और ये DC मशीन से अब देखिए अब बैटरी से चल रहा है, यहाँ डिस्प्ले नहीं देता, तो अब क्या प्रॉब्लम आ रही क्या नहीं आ रही, शॉर्ट है, हाफ शॉर्ट है, ओपन है, ओके, कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, अभी डिस्प्ले दे रहा तो हम मान रहे हैं सही है। तो ये मशीन आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर शॉर्ट, हाफ शॉर्ट, ओपन, ओके, इस तरह से बताने का काम करती है। इसको कहते हैं DC मशीन। ये ना केवल मोबाइल में बल्कि लैपटॉप में और जहाँ भी अडाप्टर यूज़ हो रहा है वहाँ पर ये बहुत आसानी से सारी चीज़ों को क्लियर करा देती है। जब आपको मोबाइल का काम कराऊंगा तो मोबाइल पे किस एम्पियर पर कौन सी चीज़ आती है, पावर IC से क्या चीज़ रिलीज़ हो रही है, लैपटॉप पे कहाँ से क्या चीज़ हो रही है, कभी कभी मोबाइल में कैसे ऑटो एम्पियर लेने लग रहा है बिना स्विच ऑन किए, लैपटॉप में लेने लग रहा है, वो सब इस पर पूरा जब इनकी सीरीज हम चालू करेंगे कि लैपटॉप के एम्पियर को कैसे हमें चेक करना है, एम्पियर पर क्या कैसे हो रहा है कहानी, वो हम अलग से वीडियो पे डालेंगे। ये था DC मशीन पर सारी चीज़ें। वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर आप सब्सक्राइब करें ना करें, वीडियो को फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि एक अच्छे जो सीखना चाहते हैं सही जानकारी उन तक पहुँचे, और जो रूमर फैला हुआ मार्केट में उनसे बचें और गलत इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन ना लें, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट वाले बैच चलाएँ चाहे ना चलाएँ एडमिशन ले ले रहे हैं कंप्यूटर के, साल साल भर डेढ़ डेढ़ साल भर क्लास नहीं चला रहे हैं, वो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों में बच्चों के साथ धोखा ना हो तो उन तक ये वीडियो पहुँचे और सही जगह पर एडमिशन लें। रेक्स इंस्टीट्यूट भोपाल, मेरा इंस्टीट्यूट Zone 1 MP नगर भोपाल में है, और मेरा नंबर 9893266819, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।